वैदिक कृषि केंद्र संस्थान द्वारा लगाए गए वृक्षों का किया गया अवलोकन। वैदिक कृषि केंद्र संस्थान द्वारा लगाए गए वृक्षों का किया गया आज अवलोकन। जहां जहां वृक्ष लगाए गए हैं आज वहां वहां उसका निरीक्षण किया गया और यह भी देखा गया कि कितने पेड़ बचे और कितने सूखे हैं। सूखे पेड़ की जगह पर फिर से नए पेड़ लगाए जाने की बात कही और यह भी संस्था के लोगों द्वारा बताया गया कि वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए और नगर को हरा भरा किया जाए। जिस चीज को ध्यान में रखते हुए इस संस्था ने बहुत ही कठिन बेड़ा उठाया है। हर गाँव हर एरिया में उनके द्वारा वृक्ष लगाए जा रहे हैं। आज मौरही समसपुर आदि गांव में अवलोकन किया गया। इसी प्रकार अलग अलग गांव में अवलोकन किया गया या कार्यक्रम इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। जैसे डगमगपुर, रामबाग, धरहरा, बहरामगंज, उदित नगर, ऐसे बहुत से गांव हैं। गांव में इस संस्था के द्वारा वृक्ष लगाए जा रहे हैं और सभी वृक्ष फलदार हैं। जैसे आम, नींबू, पपीता, अनार, आंवला आदि वृक्ष लगाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी पहल इनके द्वारा एक सिंदूर का वृक्ष भी लगाया गया जो बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य संस्था के द्वारा की जा रही है। इस संस्था के संस्थापक मुकेश कुमार पांडे तथा उनके सहयोगी मौलिक चंद पांडे, राम दुलारे प्रजापति, उमेश पांडे व शरद किशोर प्रजापति, जनार्दन त्रिपाठी आदि लोगों के सहयोग से इस वृक्ष का कार्यक्रम बहुत ही तेजी से किया जा रहा है और आगे भी इनके द्वारा बहुत से वृक्ष लगाए जाएंगे, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया है। किसी भी गांव व किसी भी जगह में कोई ऐसा जगह खाली न रहे, हर जगह वृक्ष लगाने का कार्य हमारी संस्था कर रही है और आगे भी करती रहेगी, ऐसा संस्था द्वारा कहा गया। चुनार से हमारे संवाददाता सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। इसका क्या नाम है चाचा जी? सिंदूर। सिंदूर? अच्छा, ये सिंदूर, ये जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं शादी शादी में जो है, विवाह में जो है, जी जी, ओरिजिनल सिंदूर है जो। अच्छा, पीला 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 वाला सिंदूर, पीला सिंदूर उसका ये पेड़ है। जी जी। अभी तक कई पेड़ आपने लगाए हैं इसके? अभी तक हमने 5 पेड़ लगाए थे जिसमें 4 लग गया, एक हमारा चला गया। एक मतलब नहीं धरा और 4 लग चुके हैं। यस। अच्छा, सर ये किस चीज का पेड़ है? ये अंजीर है जो। इसका क्या मुख्य कारण है सर, मतलब इसकी, ये किस काम में आता है? ये अंजीर जो है पौधा जो है, जी जी, ये इसमें 1000 रुपए केजी चल रहा है जो है, ये जो हार्ट पेशेंट के लिए जो है, जी जी, अंजीर जो खाएगा जो है जी, इसमें फल भी ले लिया अंजीर जो है, देखिए ये 6 महीने में फल ले लेता है, देखिए 6 मंथ, मतलब बारिश की वजह से फल झड़ गया है। 20 अगस्त को और दिसंबर में इसमें फल आ गया, 20 अगस्त को डेट की, 20 अगस्त को ये पेड़ लगाया, मतलब इसी साल। हाँ, इसी साल 20 अगस्त को। अच्छा, 2021 में लगाया गया और दिसंबर में फल आ गया, ये जनवरी लास्ट तक पक जाता, पर ये जो कल बारिश हुई उसकी वजह से गिर गया। देखिए फल आ गए, नए फल आए, जैसा की आप लोग देख रहे हैं, ये हार्ट पेशेंट के बहुत बढ़िया, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही है अच्छी दवा बता रहे हैं चाचा जी, और इसमें फल भी आ चुका है। इसकी कलम बंदी थी उसकी, उसका है ये जो पूरा। 4 पेड़ लगाए थे, 3 लग गए, एक खराब हो गया, ये आप वाला है। जल्दी लगा दे, खनवाना चलो, कह रहे उदिन गैलेक्सी के लिए बोलेंगे, अगर डलवाएंगे तो फिर चक्कर में हटा दिया। नरेंद्र सिंह से आऊंगा मैं, राम दुलारे प्रजापति, कृषि वैदिक केंद्र के तरफ से सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। हम लोग वृक्षारोपण माननीय पांडे जी के तरफ के सहयोगी हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं हम लोग, मुकेश चंद पांडे हम लोगों के बास हैं। तेजी से चल रहा है और प्रगति पर कार्य है। हम अपने एक बहुत अच्छे ही कृषक के यहाँ आए हैं, उनसे आप इंटरव्यू ले सकते हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी पूछ सकते हैं। मगर कुछ हम लोगों का काम में रुकावट आ रहा है, COVID-19 जो चल रहा है इससे हम लोग परेशान हैं, भीड़ भाड़ नहीं लगाएं, हम लोग शासन का बात मान करके उसका पालन कर रहे हैं, धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम? जनार्दन त्रिपाठी। जी सर, ये जो पौधा है कोई चार्ज नहीं, और हमारे जो प्रतिनिधि महोदय लोग आते हैं, पांडे जी वगैरह, राम दुलारी जी वगैरह, ये बोलते हैं मैं खाद भी दूंगा आप लोगों को, आपकी प्रपोजल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इस नए साल में बधाई हो सबको जो है। हमारे सर किसान भाइयों को मैं ये चाहता हूँ कि हर लोग कम से कम 5 पौधा तो लगाए जो है, जैसे
लोग कहते हैं कि हमारे दो बेटा दो बेटी हो, तो बेटा बेटी के नाम से एक एक पौधा लगाएं, जो है जितने बच्चे हों सबके लिए एक एक पौधा उनके नाम से लगाएं, ताकि आने वाले वक्त में जो है पॉल्यूशन मुक्त हो जाए हमारा जो है भारत, और इससे लोगों को फल भी मिले जो है, एनर्जी मिले, ताकत मिले जो है, अमरूद खाएंगे विटामिन भी मिलेंगे, और विटामिन सी जो है आपके नींबू में विटामिन सी बहुत होता है। अभी कोरोना काल में विटामिन सी के हर डॉक्टर कहते हैं कि आप विटामिन सी लेना है तो नींबू का सेवन करिए, अगर आप लगाए रहेंगे तो जो मार्केट में 5 बैग एक नींबू बिकता है, हम लोग तो फ्री बटवाते नींबू, हमारे 3-4 नींबू के पेड़ हैं जो बारहमासी फरता है, पूरे कोरोना टाइम में पूरा फ्री फ्री, फ्री, फ्री पूरे आप कास्ट हम लोगों ने गांव को जो है नींबू दिया, और हमारे गांव में एक भी कोरोना ग्रस्त नहीं हुआ। ग्राम भरोही में जो है ये नियर चुनार के पास में है, जनपद मिर्जापुर के अंतर्गत जो है, तो इस गाँव में बहुत अच्छा लोग सेफ्टी से रहते भी हैं, और इसका कारण भी यही है कि यहाँ कोई तरह का पॉल्यूशन भी नहीं, गंगा जी किनारा है, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, और ऑक्सीजन आप पीपल जाते हैं 24 आवर ऑक्सीजन देता है, यहाँ पीपल के वृक्ष भी लगाए गए हैं और हरे भरे रहते हैं, तो आँख की रोशनी पर भी नहीं प्रभाव पड़ता है, मतलब आँख भी अच्छे रहते हैं, और किसान हमारा बड़ा मेहनती इस गाँव के जो है मेहनत करते हैं जो है सर, आपका तो बहुत इस बहुत चैनल के माध्यम से आपको बधाई देता हूँ नए साल का आने वाले दिन में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वहाँ कुमार यूनिवर्सिटी से फैजाबाद चलाए जो है यूनिवर्सिटी से, और अभी हमारे मुकेश पांडे जी और चंदमौली पांडे जी मिल गए जो है वृक्षारोपण के बड़े अच्छे जो है, और कुछ हरियाणा से पार्ट लोग आए थे जो है, तो उनसे उन्होंने पौधा दिया जो है, और उनके गाइडलाइन में हम लोगों ने जो है पौधा लगा रहे हैं, और जिसे हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जामुन लगाया, हम लोगों ने शरीफा लगाया, पपीता लगाए, नींबू लगाए, और अभी कुछ अमरूद के पेड़, अमरूद एल उनचास वैरायटी का, और कुछ लाल अमरूद जो है, और इस कोरोना काल में जो है पोल्यूशन से भी बचाए गए, और अगर इस पेड़ पौधे के पास रहेंगे तो ऑक्सीजन भी अच्छा मिलेगा, ताकि तमाम बीमारियां भी दूर होंगी, और फल फूल भी लोगों को मिलेगा जो है। मैं सर अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो अभी आपने दो पेड़ मुझे दिखाया था आगे जहाँ आप लगाए हुए हैं, अंजीर और एक सिंदूर जी सर, उसके बाद विषय में कुछ थोड़ा जानकारी दीजिए। जो है इसमें जो है एक तरह से हार्ट पेशेंट के लिए जो है रामबाण है, दवा के काम आता है जी। इसमें मार्केट में अंजीर 1000 रुपए के ऊपर केजी चल रहा है जो है जी। तो अगर पेशेंट जो है अखरोट बादाम के साथ अगर अंजीर की सेवन करे जो है जी। तो वो हार्ट पेशेंट को एक तरह से मेडिसिन काम करेगा जो है जी। और इस कोरोना काल में जो अगर अंजीर का डेली सेवन करें तो कोरोना कभी उसका रेजिस्टेंस पावर बहुत तगड़ा रहेगा, ताकि कोई बीमारी भी नहीं आएगा, और ये 6 महीने में फल दे देता है अंजीर जो है। इसके पेड़ डाली काट लगाए जाते हैं अच्छा। और इसको हर हम तो चाहते हैं कि हर किसान इसको लगावे जो है अंजीर को। और सिंदूर जो है आप जानते हैं सबसे कास्टली होता है, जब शादी ब्याह में महिलाएँ जो है हिंदू महिलाएँ जो है जी, अब तो हमारे मुसलमान महिलाएँ भी सिंदूर लगाना शुरू कर दी हैं जी। हाँ, इस सिंदूर का कीमत बहुत ज़्यादा है, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसका बड़ा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि वृद्धा वृक्षारोपण हो जो है, और हमारे तमाम कैबिनेट स्तर के मंत्री भी प्रचार कर रहे हैं जी। और जो इसमें हमारे चुनार में जो है हल्का चल रहा है जो वृक्षारोपण, माननीय हमारे मुकेश पांडे जी और चंदमौली पांडे जी और हमारे प्रजापति जी जी राम दुलारी प्रजापति जी जो है, इस एज में 65 एज है लगभग हमारे राम दुलारी प्रजापति जी का, लेकिन ठंड में जो है आते हैं और हमारे हम लोग को उनके दिशा निर्देश में, मैं तो एक इंजीनियर था टेलीफोन फैक्ट्री में रायबरेली में जी, लेकिन इन्होंने ना प्रभावित हुआ जो है कि रिटायर होने के बाद जो है पौधों को अपने बच्चे से जिसे मैं सेवन करता हूँ। कहने का मतलब सर आप भी वृक्षारोपण के प्रति जागरूक लोगों को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल करते रहेंगे, हम तो हमने गाँव में हर आदमी को जी निःशुल्क बांटा जा रहा है जी सर, ये जो पौधा है कोई चार्ज नहीं, और हमारे जो प्रतिनिधि महोदय लोग आते हैं पांडे जी वगैरह राम दुलारी जी वगैरह, ये बोलते हैं मैं खाद भी दूंगा आप लोगों को